हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गौरी गणपति विशेष में पीनट मोदक की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही कम खर्च लगता है। ये मोदक बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें बाज़ार से इतने महंगे मोदक लाने की। अब हम इससे आप इस साल के गणेश चतुर्थी पर घर पर ही मोदक बनाएंगे और बहुत ही इजीली कम खर्च में बनने वाले ऐसे ये पीनट मोदक बनाने की विधि कैसी है ये आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं पीनट मोदक। किसी भी एक कटोरी का माप जो है वो फिक्स कर लेना है, तो मैं ये इसी कटोरी के नाप से सभी सामान लेने वाली हूँ। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। ये मूंगफली हमें लो फ्लेम पर अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमें ये भूननी है कंटिन्यूसली चलाते हुए। तो यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम लो कर दी है और लो फ्लेम पर हम कंटिन्यूसली चलाते हुए ये मूंगफली अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें याद रखना है कि मूंगफली हमें अच्छे से लो फ्लेम पर ही भूननी है, तभी हम जब ये पीनट मोदक बनाएंगे तो वो मोदक जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल जिस तरह से हम बाजार के मोदक लाते हैं उसी तरह से ये मोदक बनकर रेडी हो गए। तो हमें कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते हुए ये मूंगफली भून लेनी है। कंटिन्यूसली चलाते हुए टोटल 10 मिनट मैंने ये मूंगफली अच्छे से भून ली है। ये मूंगफली जो है ये अच्छे से भून चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इनकी जो ये मूंगफली जो है इसमें से चटकने की आवाज भी आ रही है और इसका जो ये छिलका है ये भी अपने आप ही उतरने लगा है। तो अब मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, इसका कच्चापन भी निकल चुका है और लाइट कलर में ये अच्छे से भून गई है। तो अब हम ये मूंगफली भूनना बंद कर देंगे और इसके अच्छे से हमें पूरे छिलके उतार लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये मूंगफली जो है इसके अच्छे से छिलके उतार देने हैं। बिल्कुल भी हमें इसमें छिलके नहीं रखने हैं। एक हाथ दूसरा छिलका रहता है तो कोई बात नहीं, तो छिलका अगर हम इसमें रखते हैं तो जो हम मोदक बनाने वाले हैं उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। अब हम ये मूंगफली जो है ये अच्छे से पीस लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मिक्सी का जार लिया है, मिक्सी के जार में डाल देनी है और इसे अच्छे से हमें बिल्कुल फाइन ऐसी इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो ये हमारी मूंगफली अब अच्छे से पीस कर रेडी हो चुकी है। अब एक कटोरी मूंगफली ली थी तो एक कटोरी की मेजरमेंट के हिसाब से हमें आधी कटोरी चीनी लेनी है और चीनी का आधा हमें पानी लेना है। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम पानी डाल देंगे और उसके बाद हमने जो चीनी ली है वो ऐड कर देंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसकी चाचनी बना लेनी है। मीडियम गैस पर ये चाचनी बना लेनी है, ज्यादा हमें चाचनी रिड्यूस नहीं होने देनी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें हमने जो मूंगफली की पेस्ट बना ली है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें घूटते हुए एक सा कर लेना है। ऐसे मैंने ये चीनी और मूंगफली की जो हमने पेस्ट बना ली थी ये अच्छे से एक सी कर ली है। अब हम इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, तो मिल्क पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्ट आती है। तो अब हमें इसे अच्छे से एक सा कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। लगभग बनकर रेडी हो चुका है। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें बस ये 1 से 2 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पर पकाना होता है, इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए। अब हम इसमें थोड़ी सी चिकनाहट के लिए 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे और इस स्टेज पर आप इसमें अगर कलर यूज करना चाहते हैं, ये कलर के मोदक बनाना चाहते हैं तो कलर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन कलर में ये मोदक बना रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें या फिर इसी तरह से ये व्हाइट भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो मैं ग्रीन कलर इसमें ऐड कर देती हूँ। कलर डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है और इसे अच्छे से एक सा करके ठंडा करके और फिर हम इसके मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसके मोदक बना लेंगे। तो मोदक बनाने के लिए मैंने ये मोल्ड लिया है, इसे मैंने देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम ये हमने जो स्टफिंग बना लिया है इसमें से एक छोटा सा गोला निकालेंगे और इस मोल्ड में हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हमें ये स्टफिंग इसमें डाल देना है, उसके बाद ये मोल्ड लगा देना है और इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है अंदर के साइड में। ये जो स्टफिंग हमने बना लिया है ये एक्स्ट्रा इस तरह से लगाकर इसके बहुत ही बढ़िया ऐसे हमने ये मोदक बना लेने हैं। बहुत ही झटपट से बनकर रेडी होते हैं। तरह से हमें ये अच्छे से दबा देना है। ये देखिए, वाह, बहुत ही बढ़िया हमारे ये मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए इस तरह से हम ये सभी मोदक जो है वो बनाकर रेडी कर लेने हैं। जो एक्स्ट्रा का पार्ट है वो हमें निकाल देना है या फिर इसी तरह से मोदक पर लगा देना है और बहुत ही बढ़िया ऐसे
हमारी ये मोदक बनकर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से मैं ये सभी मोदक जो है वो बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मोदक बना लिए और बहुत ही इजीली ये बनकर रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।